Hello guys, good morning all of you. As I taught you lots of problem and lots of topic related to electrostat, I hope you all are enjoying our previous video. On the demand of lots of viewers, I am going to teach you a new topic, that is sharing of charge. Sharing of charge is what? Our interest to share charges. It means what? कि हमारा इंटरेस्ट क्या है? चार्ज का शेयर करना. चार्ज का शेयर करने का क्या मीनिंग होता है? सपोज करो कि हमारे पास 5 रुपया किसी को दे दिए, तो वो हमारा शेयरिंग हुआ ना. वही चीज को हम समझाना चाह रहे हैं. तो शेयरिंग ऑफ चार्ज मीन्स वर्ड कि चार्ज का शेयर करना, मतलब चार्ज का आदान प्रदान करना, मतलब चार्ज का ट्रांसफर करना, कहां एक बॉडी से दूसरे बॉडी. बस इतना ही जानना आपको, इससे ज्यादा कुछ नहीं. तो सर हमारे पास 3 प्रोसेस है, 3 मेथड है जिससे हम लोग चार्ज को शेयर करते हैं, चार्ज को ट्रांसफर करते हैं एक बॉडी से दूसरे बॉडी में. देखिए कितना आसान है. तो पहला प्रोसेस क्या है? शेयरिंग ऑफ चार्ज बाय फ्रिक्शन मेथड. मतलब क्या सर? फ्रिक्शन मतलब घास के, रगड़ के, रब करके. तो अगर दूसरा मेथड क्या है? अनदर वन इज शेयरिंग ऑफ चार्ज बाय कंडक्शन मेथड. दैट मीन्स व्हाट? कि हम किसी चार्ज को शेयर करेंगे कंडक्शन मेथड, मतलब एक चार्ज को दूसरे चार्ज में सटा देंगे. जैसे मान लीजिए सपोज करिए मेरा न्यूट्रल बॉडी है, ये मेरा जो है ये चार्ज बॉडी है, इसको इसमें सटा देंगे तो ये कंडक्ट कर गया ना, तो इसलिए कंडक्शन मेथड. तीसरा जो है सबसे इंपॉर्टेंट है, जो एग्जाम के रूप से बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट, दैट इज इंडक्शन मेथड. इंडक्शन मेथड क्या है? कि एक ऐसा मेथड है जिसमें कोई कंडक्टर एक दूसरे बॉडी को नहीं टच करता, फिर भी चार्ज का शेयर हो जाता. अब हम लोग देखते हैं कि वही चीज हम पढ़ाएंगे जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. तो बहुत बड़ा लेंथी टॉपिक है, बहुत बड़ा पढ़ना है, लेकिन हमको क्या करना है कि इतना ही पढ़ना है जो एग्जाम के व्यू से इंपॉर्टेंट है. सबसे पहला अगर हम लोग पढ़ना शुरू करते हैं तो हम लोग शेयरिंग ऑफ चार्ज पढ़ते हैं. शेयरिंग ऑफ चार्ज बाय फ्रिक्शन मेथड. फ्रिक्शन मतलब क्या हुआ? हमको चार्ज का शेयर करना है, लेकिन कौन सा मेथड से? फ्रिक्शन मेथड से. इट मीन्स व्हाट? कि हमको क्या करना है? एक बॉडी को दूसरे बॉडी में रब करना है. मतलब क्या है सर? ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बॉडी को दूसरे बॉडी से रब करते हैं, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? चार्ज का कैसे? देखिए सपोज से हम लोग इसका सबसे पहले डिफिनेशन पे चले जाते हैं. डिफिनेशन में क्या करेंगे? इट इज अ प्रोसेस by which we can rub. मतलब क्या है? हम लोग रब करते हैं वन बॉडी टू अनदर बॉडी. मतलब क्या हुआ कि आपको रब करना, ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बॉडी दूसरे बॉडी से रब करता है. फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि आपने एक कंघी लिया, कॉम कॉम को रन करते हैं आप अपने बाल पे, तो क्या होता है कि कंघी बाल से रब्ड होता है. जब कंघी बाल से रब्ड होता है तो आपने देखा होगा क्या चीज कि आपका जो कंघी होता है वो स्मॉल पीसेस ऑफ पेपर को क्या करता है? अट्रैक्ट कर लेता है. तो इसका मानी क्या हुआ कि जब हम लोग कंघी को जब बाल से रब्ड करते हैं सूखे हुए बाल को, मान लीजिए कोई बंदा बोलता है वेट बाल, मतलब भींगे हुए बाल को अगर करेंगे तो सर ये फिनोमेना ऑब्जर्व नहीं कर सकते. तो आपका यहां पे से क्या हुआ? सूखे हुए बाल पर करते. दूसरा एक होता है क्या कि एक रॉड होता है, ग्लास रॉड. और ग्लास रॉड को क्या कहते हैं? सिल्क, सिल्क वाला जो क्लॉथ होता है साड़ी वगैरह, उस पर अगर रब्ड करेंगे तब क्या होता है? तो सर सबसे बेस्ट एग्जांपल जो होता है ग्लास और सिल्क रॉड. इसमें आपसे 2 ही 3 चीज पूछता है कि इसमें से बताइए कौन सा पॉजिटिव करेक्टर शो करेगा, कौन सा नेगेटिव. यही एम्स का क्वेश्चन है भाई. क्या एम्स का क्वेश्चन होता है बार बार कि इसमें से अगर आप रब्ड करते हैं ना तो कौन पॉजिटिव शो करता है, कौन नेगेटिव. अगर देखिए हम लोग ट्रिक वे में पढ़ेंगे, हम लोग अगर ये सोच ले कि सिर्फ पॉजिटिव वाला याद करेंगे तो ऑटोमेटिक नेगेटिव वाला याद हो जाएगा. हमको टिक तो मानना होगा, टिक ही ना मानना होगा तो हम पॉजिटिव वाले को याद करेंगे. क्यों अपना एनर्जी को बर्बाद करें दूसरे चीज में याद करके. तो हम लोग चलते हैं इसी चीज में. तो हम लोग कहेंगे क्या कि सर शेयरिंग ऑफ चार्ज मीन्स क्या बाय फ्रिक्शन मेथड? सर एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें वी कैन रब्ड, जिसमें हम लोग रब्ड करते हैं एक बॉडी को दूसरे बॉडी से. क्लियर कट हुआ? इससे ज्यादा आपको समझना नहीं. तो सर फॉर एग्जाम्पल रबिंग ऑफ ग्लास रॉड
ग्लास रॉड हम लोग राउंड करते हैं, ग्लास रॉड को ऑन किस पे, तो आप किस पे करते हैं, सिल्क पे, सिल्क क्लॉथ पे। सर सिल्क क्लॉथ पे जब आप राउंड करेंगे तो क्या होता है, ज्यादा आपको सुनने नहीं, जब ऐसा करेंगे तो ये वाला एक इसमें से क्या होगा, जब भी करेंगे तो एक बॉडी क्या होगा पॉजिटिव एक्वायर करेगा, दूसरा बॉडी क्या करेगा नेगेटिव एक्वायर करेगा। पॉजिटिव एक्वायर करने का मतलब क्या हुआ कि सर ये जो चीज है पॉजिटिव करेक्टर शो करेगा और ये जो है नेगेटिव करेक्टर शो करेगा। सर पॉजिटिव करेक्टर ये शो करता है, ये नेगेटिव करेक्टर शो करता है। सर आप कहोगे ना कि सर कैसे पहचानेंगे कौन पॉजिटिव करेक्टर है कौन नेगेटिव करेक्टर है, आप बोलोगे ना सवाल में कि सर पॉजिटिव करेक्टर कैसे, सर वैसा कोई भी चीज जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे तो बचा हुआ जो चीज होगा वो पॉजिटिव स्पिन करेक्टर चलेगा। मतलब क्या, इलेक्ट्रॉन अफिनिटी मतलब इलेक्ट्रॉन को चाहने वाला जो चीज होगा वो पॉजिटिव। इट मीन्स व्हाट कि अगर कोई चीज इलेक्ट्रॉन लॉस कर देगा तो वो क्या चीज का मांग करेगा, वो आपको इलेक्ट्रॉनिक का ना मांग करेगा। तो हम लोग को एक ही बात याद रखना है कि हम जब इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देंगे तब। अब आपने इसी चीज में हम लोग देखते हैं तो सर कौन कौन सा चीज है जो आपको पॉजिटिव शो करता है, कौन कौन सा चीज है जो नेगेटिव शो करता है। सर सबसे अच्छा एग्जाम्पल अगर हम लोग देखें तो इबेनॉइट रॉड होता है और बहुत सारा है, देखते हैं पॉजिटिव मटेरियल कौन सा है नेगेटिव मटेरियल कौन सा है। देखिए एक तरफ हम पॉजिटिव मटेरियल लिख दे रहे हैं एक तरफ पॉजिटिव मटेरियल लिख दे रहे हैं, दूसरे तरफ हम लोग नेगेटिव मटेरियल लिख दे रहे हैं नेगेटिव। सर आप कैसे पता होता है, अभी तो एक एग्जांपल दे दिए ग्लास रॉड और इधर दूसरा एग्जांपल दे दिया सिल्क रॉड सर सिल्क क्लॉथ। अब देखिए ग्लास रॉड का क्या मतलब, सर ग्लास रॉड हमेशा क्या करेगा पॉजिटिव। आप याद रखिएगा अगर इसमें से 5 कूलम चार्ज इधर जाएगा तो 100% दे दीजिए क्या करता है कि जितना चार्ज ये लॉस करेगा उतना ही चार्ज ये गेन करेगा। मतलब क्या, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ऑबे करता है, ये याद रखिएगा। फ्रिक्शन जो है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को ऑबे, हम नोट में लिखा। दूसरा चीज इसमें आता है सर एक एक एक, एक, एक ट्रिक याद कीजिएगा, वैसा कोई भी चीज जिसको आप गर्म करके एक बाल नुमा स्ट्रक्चर दैट मीन्स तार नुमा स्ट्रक्चर बना सकते हैं, कोई भी चीज जो तार नुमा स्ट्रक्चर बन जाएगा उसको हम लोग पॉजिटिव कहेंगे। कैसे, तो सर आपके पास हेयर है, हेयर तो है बाल नुमा स्ट्रक्चर, तो ये क्या भैया पॉजिटिव। दूसरा देखिए अब क्या है, एक आपके पास दूसरा और क्या चीज है सर, तो आपको जो है कह सकते हैं वूल ऊन, ऊन में क्या है, अब हो सकता है कि आपके पास आ गया ऐसे करके कैट स्किन, कैट स्किन, ये कैट स्किन क्या हुआ मतलब फर वगैरह, बिल्ली का बाल, बिल्ली का बाल भी क्या हुआ बाल ही ना हुआ, इसके वजह से पॉजिटिव शो करेगा। अब आपके सर नेगेटिव कौन कौन शो करेगा, सर हेयर के साथ क्या कॉम, हेयर के साथ क्या कॉम, तो सर यहां पे दूसरा जो है नेगेटिव कौन सा करेगा कॉम। अब आपके पास सवाल होगा कि सर कॉम को भी तो पिघला के बाल नुमा स्ट्रक्चर कर सकते हैं तो क्यों नहीं इसको बोले आप पॉजिटिव नेगेटिव क्यों बोल रहा है, तो ये एक्सेप्शनल है, ये याद कि कॉम जो है जो भी प्लास्टिक जो भी होता है वो एक्सेप्शनल है, जो कि पॉजिटिव शो करना चाहिए था लेकिन है क्या नेगेटिव शो करना। दूसरा चीज उनके साथ जो है यहां पे जो है इबोनाइट रॉड, इबोनाइट रॉड, देखिए कुछ याद हो ना हो आपको दो चीज याद रखना, एक ग्लास रॉड एक इबोनाइट रॉड। इबोनाइट रॉड मतलब क्या होता है, वैसा रॉड जिस पे नेगेटिव चार्ज आप दे चुके होंगे उसको इबोनाइट रॉड के नाम से जानते हैं। तो इबोनाइट रॉड समझ में आ रहा, क्लियर कट सर, वैसा रॉड है जिसपे आप नेगेटिव चार्ज दे रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल इसका फिगर भी देख लीजिए, एक रॉड ऐसे बना देना है और इस पे क्या कर देना नेगेटिव ढेर सारा नेगेटिव चार्ज दे देना है, उसको हम लोग इबोनाइट रॉड बोलेंगे। क्लियर हो रहा। अब आते हैं सर अंबर बियर, सबके याद अंबर मतलब क्या हुआ कि ऊन जानते हैं जो वो जो क्या कहते हैं धुनता जो है किसको, कॉटन को जो धुनता है तो एक स्टिक रखे रहता है, स्टिक से मारता है फिर ऐसे करता है तो देखते होंगे कि वो चीज ऊपर नीचे करता है, तो सर अंबर वही रॉड होगा वो भी नेगेटिव शो करता है। चलो इतना चीज आपको समझ में आया,
अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात एक ही दो तीन बात है, उस चीज को नोट देखते हैं सर। ऑल देखिए ये नोट है, कुछ याद रहे ना रहे ये वाला चीज आपको याद होना चाहिए, ये वाला चीज याद रहने दीजिए, इगोनाइट रॉड याद रहने दीजिए, हेयर वाला जितना भी हेयर है सब पॉजिटिव है वो याद रखिए। अब यहां पर नोट में क्या है, तुम लोग जानते हो क्या चीज, ऑल चार्जेस जितना भी चार्जेस है वो कंटेन करता है मास। क्लियर? देखिए यहीं पर आपको समझ रहे हो, ऑल चार्जेस कंटेन व्हाट मासेस, जितना भी चार्ज है सब मासेस उसको करता है। तो फिर हम लोग क्या कर लेते हैं, ऑल चार्जेस कंटेन मास बट, लेकिन ऑल मासेस डजंट कंटेन चार्जेस। इसका एक ही लाइन याद रखना है आपको कि जितना भी मास है ना दुनिया में वो चार्ज रख भी सकता है और नहीं भी रख सकता, लेकिन जितना भी चार्ज है वो मास रखेगा। तब आप गौर से देखिएगा कि हम इसको क्यों बता रहे हैं, इसको बताने का क्या मतलब है कि सर आपसे एम्स में जैसा क्वेश्चन पूछा था कि बताइए कि कौन ऐसा प्रोसेस है जिसमें चार्ज भी ट्रांसफर करता है और मास भी ट्रांसफर करता है। देखिए यहां पे आप सपोज करो कि एक रॉड है जिसको हम लोग ग्लास रॉड के नाम से जाने, और इसको हम लोग सिल्क वाला क्लॉथ में रब कर रहे हैं, ये क्लॉथ हो गया सिल्क क्लॉथ, क्या कर रहे हैं हम लोग रब कर रहे हैं। तो रब जो करेंगे तो 100% ये जो चीज है इसका नेगेटिव चार्ज यहां भी पहुंच जाता है और पॉजिटिव चार्ज इसके पास बचा ही रह जाता है। तो सर देखिए यहां पे क्या कर रहा है कि इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, किसमें इसकी सर, इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होने के मतलब क्या हुआ कि एक पॉइंट इसमें आपको नजर आया क्या चीज, देयर इज ट्रांसफर ऑफ चार्ज। यहां पर क्या चार्ज का, अब चार्ज के पास अभी थोड़ा देर पहले बताया कि मास भी है, तो चार्ज ट्रांसफर करेगा तो क्या होगा, मास भी ट्रांसफर करेगा। तो सर चार्ज एज ए वेल एज वेल एज मास, मतलब एक ऐसा प्रोसेस जिसमें चार्ज भी ट्रांसफर होता है और मास भी ट्रांसफर होता है, ये अपना सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि सर बताइए कौन ऐसा प्रोसेस है जिसमें चार्ज ट्रांसफर होता है और मास भी ट्रांसफर होता है, तो वो है अपना फ्रिक्शन मेथड। क्लियर कर समझ में आया? अब आते कंडक्शन मेथड क्या होता है, कंडक्शन मेथड में हम लोग देखते हैं वो और इजी है, जितना ये चीज समझाने में आपको टाइम लगा उससे भी कम टाइम लगेगा। कंडक्शन मेथड में क्या होता है, सेकेंड प्रोसेस अपना कंडक्शन मेथड। कंडक्शन मेथड में होता क्या सर, इसमें क्या होता है कि एक इगोनाइट रॉड को जो है चार्ज रॉड को कंडक्ट कर देते हैं, सटा देते हैं, किसमें, न्यूट्रल बॉडी में या किसी दूसरे मटेरियल में, बस इतना ही सोचना है। तो क्या लिखा, इट इज अ प्रोसेस इन विच वी